मेल के साथ ये ओपन का एक मेल है मेरे पास, आप मेल की क्वालिटी चेक करें माशाल्लाह से। तो मैंने इसके नीचे कुछ एग्स भी पोस्टर कर दी हैं। इसके अंदर मेरे डब ने ना ब्रीडिंग करी हुई माशाल्लाह से, ये हैचिंग हो गई है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत होंगे। आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ अपने सेटअप की थोड़ी सी प्रोग्रेस, और इसमें मैं आपको बताऊँगा कि कुछ बर्ड्स हैं जो कि मैं सेल आउट करना चाह रहा हूँ, जो अपने शेड से मैं निकालना चाह रहा हूँ। थोड़े ज़्यादा हो गए हैं और मुझे कुछ न्यू वेराइटी ऐड करनी है ताकि मैं न्यू एक्सपीरियंसिस वगैरह कर सकूँ। तो आज दिखाता हूँ मैं आपको कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं सेल करना चाह रहा हूँ और बाकी बर्ड्स की क्या प्रोग्रेस आ रही है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने, ये मेरा लवबर्ड का कि इसके अंदर मेरे डव ने ना ब्रीडिंग करी हुई माशाल्लाह से, ये हैचिंग हो गई एक बर्ड की। और मेरे ख्याल में ये जो है ये रेड का स्प्लिट था, रेड डव की स्प्लिट है, तो उसका बच्चा है ये। और मेरे ख्याल में ये जो है ये तो या तो ओपल निकलेगा या फिर ये रेड होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले कि मैंने क्या चीज़ सेल करनी है ताकि फिर हम आप उसके हिसाब से अंदाज़ा लगा लें। मेरे पास देखिए पेयर है ओपल की फीमेल है इसके अंदर, और सिल्वर डायमंड जो वाइट टेल डायमंड होती है उसका मेल है। ये बिल्कुल फ्रेश पेयर है, बॉन्डेड पेयर है, सेकंड ब्रीड करने लगा है ये, बिल्कुल जवान पेयर है ये। इसने सेकंड टाइम ब्रीड करने के लिए मेरे ख्याल में अभी एग्स वगैरह दिए हुए हैं इसने, या अभी देने लगा होगा क्योंकि जिस तरीके से बैठा हुआ है। तो ये पेयर तो बॉन्डेड है तो मैंने इसको पकड़ के यहाँ पर छोड़ दिया था, ये मुझे सेल करना है। इसके अलावा एक ये पेयर है मेरा, बेहतरीन पेयर है ये भी वाइट टेल का, ये ज़्यादातर फॉस्टरिंग कराता हूँ, अभी फ़िलहाल कोई है नहीं और इसकी ये इसने एग्स दिया हुआ है रात में, पता नहीं हवा चली क्या हुआ है जिसकी वजह से ये गिर भी गया है। इसको खैर अभी सीधा कर देंगे। इसके अलावा मेरे पास एक ये ओपल की फीमेल है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह क्वालिटी इसकी, ये ब्रीडर फीमेल है मेरे पास, इसने मेरे पास दो तीन बार ब्रीड करी है। इसका मेल भी मैं आपको दिखाता हूँ, इसके साथ मैंने रेड का मेल लगाया हुआ था ताकि मैं थोड़ी सी क्रॉस में म्यूटेशन वगैरह निकलवा सकूं, पर अभी मेरा प्लान जो है रेड के साथ रेड ही लगाने का है तो इसलिए मैंने अभी इसको अलग कर दिया। मैं आपको इसका मेल भी दिखाता हूं। एक पेयर मेरे पास ये है रेड का, ये फुल रेड का पेयर है, इसके जो इसके जो अंडे थे वो मैंने पोस्टर कर दिए थे इस वाले पेयर के नीचे, तो बच्चे बड़े हो गए थे। और इसके जो अंडे थे क्योंकि वो स्टार्टिंग फौरन होने वाली थी और मैं इसको मूव करने लगा था, तो मैंने इसके अंडे जो थे मैंने यहाँ रख दिए थे, उसके आप देख सकते हैं इनके दो बच्चे भी इन्होंने पाल लिए हैं, ये रहे। तो ये पहला रेड का पेयर सेल करने का नहीं है, ये तो मैंने अपने पास रोकना है, बट हाँ ये जो ओपल और ओपल के साथ जो सिल्वर के हैं ये सेल करने के, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। मेरे पास देखें ये रही एक रेड की फीमेल है मेरे पास, रेड का मेल ये वाला मेल है जो मैं आपको बता रहा था कि मैंने उस वाली फीमेल को जो लास्ट में फीमेल रखी हुई है उसके साथ छोड़ा हुआ था, उसके साथ ब्रीडिंग कर रहा था। तो ये वाला मेल है, मेरा प्लान तो अभी यही है कि मैं इसके साथ इसको रेड की ही फीमेल दूँ, बट ये इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो जिसकी वजह से मुझे ये वाली फीमेल भी एक्सचेंज करनी पड़ जाएगी मे बी, या अगर कोई लेना चाहेगा तो इस वाली रेड की फीमेल के साथ। ये ओपल का एक मेल है मेरे पास, आप मेल की क्वालिटी चेक करें माशाल्लाह से, ये ओपल का मेल है, बहुत आउट क्लास क्वालिटी में है, और इसके फीडर भी जो है ना वो सिल्वर कलर के हैं, रेड कलर के नहीं हैं। इनमें फीडर का बड़ा चक्कर होता है कि किस तरीके से फीडर जो है वो देखने क्या करना है। तो ये ओपल का मेल है आउट क्लास क्वालिटी के साथ, अगर कोई लेना चाहेगा तो मैं ये भी उसको दे दूँगा, लेकिन इसके साथ मैं ये रेड वाली फीमेल देना चाह रहा हूँ, और ताकि मेरे पास ये रेड फीमेल जो है पेयरिंग नहीं कर रही है इसके साथ, तो फिर मैं जो फिर रेड फीमेल इसके साथ छोड़ूंगा। अच्छा ये थे मेरे पास डव जो मैंने आपको दिखा दिए कि डव की क्या प्रोग्रेस है, डव की क्वालिटी क्या है,
और ये वो पियर हैं जो डव के मैं सेल करना चाह रहा हूँ अपने मास्टर केज में, क्योंकि नई चीज़ मैं ऐड करूँगा यहाँ पे, या तो फिर मैं कोई पाइट वगैरह छोड़ूंगा, फुल वॉश जो पाइट चल रहे हैं आजकल, ब्लू पाइट, डायमंड पाइट और रेड पाइट, तो इसलिए मैं ये वाला केज जो मेरा डवों के लिए है, तो इसमें मैं वो वैरायटी लेके आऊँगा डव की, ताकि यहाँ पे मैं ये बहुत ज़्यादा हो गए, आप देख सकते हैं ऊपर भी कुछ चिक्स वगैरह निकले हुए इनके, ये कोने में बैठे हुए, इन्होंने ब्रीड करी हुई है, स्प्लिट रेड है ये, तो ये इन्हीं के बच्चे निकल रहे हैं यहाँ पे, जितने भी पीस सामने बैठे हुए दिख रहे हैं आपको, ये सारे जो हैं ये स्प्लिट रेड हैं और रेड के अंदर से निकले हैं मेरे पास। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास डवों के हवाले से ये पीसीस हैं जो रेडी टू ब्रीड हैं, ये सारे पट्टे निकले थे जो सारे बड़े हो गए और ये अब ब्रीड के लिए मतलब रेडी हैं, यहाँ पे फुल ये अपना गूंजते रहते हैं, और क्योंकि ज़्यादातर इसमें मेल हैं, फीमेल थोड़ी कमी है, एक ओपल का पीस है, बाकी वाइट टेल डायमंड है, तो अगर ये भी किसी को चाहिए हो तो मैं बहुत मुनासिब प्राइस में दे दूंगा, क्योंकि पीसीस बहुत ज़्यादा होगा, आपको पता है आजकल तो रेट वैसे ही 300-350 रुपये का रेट चल रहा है, तो दो भाई लेना चाहेगा ज़्यादा क्वांटिटी में मैं प्रीफर उसको करूँगा पहले, और मैं बस मैंने देने तो मैं नॉर्मल प्राइस में दे दूँगा इनको, कोई ज़्यादा डिमांड विमांड नहीं है मेरी। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास कुछ लवबर्ड्स के पेयर हैं जो इस सीज़न के लिए बिल्कुल तैयार हो गए, वो भी मैं देना चाह रहा हूँ, जिसमें से ये जितने आप सामने देख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा क्लोज करके दिखाऊंगा तो ये उड़ जाएंगे, ये लवबर्ड्स के पेयर हैं जो इस सीज़न में रेडी हो गए हैं, और इनमें से इन्होंने एग लेइंग भी स्टार्ट कर दी है, जिसमें से मैं आपको दिखाऊंगा एग्स हैं, अंडे वगैरह हैं मेरे पेयर में, तो जो ये लेना चाह रहा है तो मैं उसको वो भी दे दूंगा, और ये बहुत नॉर्मल प्राइस में ये 4,500 का जोड़ा मैं आपको दे दूंगा, इसमें पार ब्लू भी है, इसमें लोटिनो ब्लैक आई स्प्लिट पार ब्लू भी है, और जो बाकी हैं वॉलेट फिशरीज हैं पार ब्लू है, और एक चीज़ जो इसमें है वो स्प्लिट इनो का है, ब्लू पेस्टल स्प्लिट इनो जो पीछे बैठा हुआ है, तो ये 4,500 रुपये पियर के हिसाब से मैं दे दूंगा, ये सारे पियर रेडी टू ब्रीड हैं, बल्कि ये मटकियों में जाना भी शुरू हो गए हैं, और मैं भी आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, मैं आपको हो सका तो मैं इसमें लगा भी दूंगा इनकी वीडियो, ताकि ये मटकियों के अंदर जो उन्होंने अंडे वगैरह दिए थे मैं आपको दिखा दूँगा उनकी। इसके अलावा मेरे पास एक पियर ये है, पोस्टिंग के लिए मैंने ये पियर अपने पास रखा हुआ था ग्रीन फिशर का, और मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाता हूँ, ग्रीन फिशर के साथ मैंने जो लगाई है ब्लू कोस्टाटा की मादी है, अगर आपको दिख रही है, ये मेरा अच्छा ब्रीडर पियर भी है और ये फॉस्टर पियर भी मेरा अच्छा है काफ़ी, तो किसी को ये भी चाहिए तो मैं ये भी दे दूंगा। और इसके अलावा मेरे पास कुछ ब्रीडर पियर हैं, ये रहे पार ब्लू का मेल है, वॉलेट फिशरी की फीमेल है, मसाला अच्छी क्वालिटी में ब्रीडर पियर है, इन्होंने भी लास्ट टाइम मेरे पास अच्छी खासी ब्रीड करी है, ये एक पियर है मेरे पास, ये मैं आपको दे दूंगा, इसके प्राइस हम बाद में बात कर लेंगे फ़ोन वगैरह के ऊपर, मैं अभी प्राइस की यहाँ पे कोट नहीं कर रहा, क्योंकि थोड़ा मेरा ब्रीडर पियर है, इसमें मेरे अच्छे पैसे वैसे लगे हुए। एक पियर मेरे पास ये है वॉलेट फिशरी का मेल है, इसकी फीमेल जो है उसने अंडे दिए हुए हैं, और मैंने इसके नीचे कुछ एग्स भी पोस्टर कर दी हैं, सारे के सारे अंडे जो हैं ये फर्टाइल हैं, और इसके नीचे कुछ अंडे इसके हैं, और कुछ अंडे जो हैं मैंने चेरी लवबर्ड के भी रखे थे, ये मेरा चेरी लवबर्ड का जोड़ा अंदर घुसा हुआ अभी, ये भी आपको दिख नहीं रहा है, तो मसाला अच्छे पियर हैं, किसी को अगर चाहिए हो, समझ में आ रहे हो तो बस ख़रीदना चाह रहा हो, नया शॉप करना चाह रहा हो, तो बहुत नॉर्मल प्राइस में, क्योंकि मुझे कुछ नया वेराइटी रखनी है, जैसे कि इस बार मैं ये अपने सेटअप के अंदर मैंने ये दो पियर मैं जावा के लेके आया था, आज से पहले मैंने जावा कभी रखे नहीं, तो मैंने कहा चले, क्योंकि माशाल्लाह इस बार लवबर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, डवे काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने बहुत सारे तो सेल भी कर दिए, और वो हटा के फिर मैंने कहा कि क्योंकि मास्टर केज है माशाल्लाह, तो उसमें मल्टीपल वेराइटी होती है, तो अच्छा लगता है कि हर किसी की, कभी किसी का गर्मी का सीज़न है, किसी का ठंडा का सीज़न है, तो मल्टीपल चीज़ें होती हैं, तो फिर आपका दिल भी लगा रहता है,
और देखने भी अच्छा लग रहा होता है कि मल्टीपल आइटम्स हैं जो आपके पास हैं और ब्रीड कर रहे हैं माशाल्लाह से। तो इस बार मैं एक ये सिल्वर जावा का पेयर लेके आया था और एक पेयर लेके आया था मैं वाइट जावा का। माशाल्लाह दोनों पेयर बहुत हेल्दी और एक्टिव हैं, और वाइट वाला पेयर जो है मुझे लगता है कि ये जल्दी माशाल्लाह एग ले कर देगा, क्योंकि इसने मटकी वगैरह फ़ौरन पकड़ ली है मेरे पास और मटकी में इसने नेस्टिंग भी कर ली है। जिस तरीके देखें आप देख सकते हैं मटकी में जाने लगा है। ये भी जाता है मटकी में, पर अभी मुझे उसका कुछ खास आइडिया नहीं है कि इसने इनका पेयरिंग वगैरह लगी नहीं लगी, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इनको रखा है। बाकी इंशाल्लाह इनकी जैसे ही प्रोग्रेस होगी तो वो भी आप लोगों को मैं बताऊँगा। तो फिलहाल अभी ये लवबर्ड्स हैं, किसी को चाहिए हो, डव्स हैं किसी को चाहिए हो तो मुझे कांटेक्ट कर लें। मेरा डायरेक्ट नंबर, मैं अपना मोबाइल नंबर आपको बता रहा हूँ, 0346-333-4366। ये मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट नंबर है, जिसको भी जो बर्ड समझ में आ रहा है इसमें वो मुझे कांटेक्ट करके इसमें पूछ ले। और नॉर्थ कराची की लोकेशन है मेरी, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैंने काफ़ी वीडियोज़ के अंदर भी अपना लोकेशन बताया है। इसके अलावा मेरे पास ये फिंचेस हैं, कुछ मैं आपको दिखाता हूँ, सैडल पाइट की फिंचेस हैं। ये तो मैंने शौकिया अपने मास्टर केज में छोड़ी हुई है, क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद है ये जिस तरीके से नेस्टिंग वगैरह करती है। मैं थोड़ा क्लोज करके आपको दिखाने लगा हूँ। इन्होंने देखे बाहर की तरफ भी नेस्टिंग करी हुई है और अंदर भी मटकियों में करी हुई है, और ये मास्टर केज के कोने में इनका एक सेटअप यहाँ पे लगा हुआ है और ये खाली यहीं पर ही अपनी नेस्टिंग वगैरह करती हैं। इसके अलावा पूरे मास्टर केज के अंदर ये कहीं पर भी नहीं करती, तो काफ़ी अच्छा लगता है जब ये बाहर बैठ के आप यहाँ पे बाहर बैठ के इसको देखते हैं तो बर्ड्स आपके यहाँ पे स्टिक के ऊपर आके बैठते हैं, नीचे आके बैठते हैं। और मैं भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं अभी इनके लिए लेके आया हूँ, इन सब के लिए लेके आया हूँ ये पालक। तो इनको हम पालक भी खिलाएंगे आज सॉफ्ट फूड में, और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये पालक को इन्जॉय करती हैं और माशाल्लाह कितना अच्छा लगता है जिस तरीके से ये अभी फिंचेस अपनी नेस्टिंग कर रही हैं, मटकी में जा रही हैं और माशाल्लाह अंडे वगैरह भी दिए इन्होंने। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि इनको पालक डालने के बाद किस तरीके से ये अपना सॉफ्ट फूड एंजॉय करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने पालक वगैरह इन सबको डाल दिया है। माशाल्लाह सारे बर्ड जो हैं वो नीचे आ रहे हैं पालक खाने। माशाल्लाह वाइट जावा जो हैं वो भी खा रही हैं। मैं आपको यहाँ बैठ के दिखाऊँ अगर, तो वाइट जावा भी माशाल्लाह से पालक जो हैं वो क्रश हुआ हुआ पालक है तो वो खा रहे हैं, और ये भी सारे माशाल्लाह से खाने के लिए नीचे आ गए या ऐसा ऐसा करके नीचे आते रहते हैं इस तरीके से। और काफ़ी अच्छा लगता है मतलब इनको इस तरीके से बैठ के देखना। पूरा हफ्ता तो टाइम नहीं मिल पाता है इनको देखने का, क्योंकि ऑफिस में जॉब की मसरूफियात की वजह से तो छुट्टी वाले दिन ही बस ये काम हम कर पाता हूँ मैं इसका। और ऊपर देखें आप, मैं आपको अगर ऊपर दिखाऊँ तो माशाल्लाह लवबर्ड्स भी आके सॉफ्ट फूड टेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर ये डव्स जो हैं ये भी अपने नेस्टिंग से निकल के आके अच्छे तरीके से खा रहे हैं। देखें मतलब सारे बर्ड जो हैं वो नीचे आ रहे हैं और अच्छे तरीके से पालक को एंजॉय भी कर रहे हैं। सामने अगर देखें आप तो कॉकटेल वाले केज में वहाँ पे भी डव आराम से पालक को एंजॉय कर रहे हैं। ये मैं आज अपना मास्टर केज का गेट खोल के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नॉर्मली मैं करता नहीं हूँ, लेकिन बस डर भी है कि कहीं फिंचेस वगैरह बाहर ना निकल जाए, क्योंकि छोटी सी होती हैं ये और